प्यारे बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश पिरोज में दूसरा चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर, जिसके राइटर हैं ए जी गार्डिनर, के बारे में बताएंगे। इसके पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन लिखवाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों ये, जैसा आपको चैप्टर से मालूम हो रहा होगा। ए फेलो ट्रेवलर, एक साथी यात्री, इसकी कहानी बहुत अच्छी है जब पढ़ोगे आप लोग। कि एक आदमी जब अपनी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, अपने काम से शाम को अपने घर वापिस जा रहा था लेखक, तो वो जब अकेला रह गया अपने डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में, तो उसे महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा भी कोई साथी मेरे साथ सफ़र कर रहा है। लेकिन अचानक एक मच्छर उसके नाक पर आकर बैठा, तो उसे लगा कि मेरे साथ कोई साथी है। उसने उसे उड़ा दिया, लेकिन मच्छर चारों ओर घूम के फिर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। लेखक ने उसको फिर उड़ा दिया, लेकिन जब तीसरी बार वो मच्छर इधर उधर घूमकर उसकी गर्दन पर आकर बैठा, तब लेखक को बहुत गुस्सा आ गया। उसके बारे में ये पैराग्राफ है। मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ बच्चों। इट इज एनफ आई सेड, मैग्नेमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंस द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई कंडेम यू टू डेथ, जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। बच्चों, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले हम इसका रेफरेंस पढ़ेंगे, रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाई ए जी गार्डिनर। ये पंक्तियाँ ए फेलो ट्रेवलर नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके लेखक हैं ए जी गार्डिनर। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। इन दीज लाइन्स द राइटर शोज हिज एंगर टू द मॉस्किटो when it disturbs him again and again, and he decides to kill it. इन लाइनों में, इन पंक्तियों में लेखक मच्छर पर अपना गुस्सा दिखाता है, क्योंकि वो उसे बार बार परेशान करता है। तब लेखक जो है इसे मारने का निश्चय करता है। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। द राइटर गॉट एंग्री, जैसे मैंने ही बताया कि लेखक को जब तीन बार परेशान किया मच्छर ने, तो उसे गुस्सा आ गया। तो व्याख्या में हम लिखेंगे द राइटर गॉट एंग्री, लेखक को गुस्सा आ गया, यानी बहुत क्रोधित हो गया। ही सेड दैट He would not tolerate it. उसने कहा कि वो और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी वो मच्छर को अधिक सहन नहीं कर सकता। Kindness has a limit. उदारता की भी एक सीमा होती है, यानी दयालुता की भी एक सीमा होती है। He forgave the mosquito
टू टाइम्स, उसने मच्छर को दो बार माफ़ कर दिया है, यानी दो बार, इससे पहले भी दो बार उसे उड़ा चुका है, यानी माफ़ कर चुका। ही फर्दर सेड दैट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। लेखक आगे कहता है को एक साधारण आदमी नहीं है, ही वॉज स्पेशल एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन, वह एक विशेष और सम्मानित व्यक्ति है, यानी वह एक विशेष और इज्जतदार व्यक्ति है। सो ही वुड नॉट लाइक द रूडनेस एंड डिसरेस्पेक्ट ऑफ ए स्ट्रेंजर, इसलिए वह एक अजनबी की दुष्टता और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी उसे पसंद नहीं है कि कोई एक अजनबी व्यक्ति उसकी बेइज्जती करे। ही टूक अपॉन हिमसेल्फ द रोल ऑफ ए जज, तब उसने अपने आप को, स्वयं को एक न्यायाधीश, एक जज की भूमिका धारण की। देन ही सेंटेंस इट टू डेथ, और उसने उसे मौत की सजा दी, यानी मच्छर को मौत की सजा दी। अगले पैराग्राफ में हम और इसके बारे में पढ़ेंगे कि मच्छर को मौत की सजा देने के बाद क्या लेखक मच्छर को मार पाया या नहीं, अगले पैराग्राफ में। धन्यवाद।